हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को सिंगल कलर में डिजाइन बताऊंगी। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, टॉप में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। देखिए, हमने 6 के मल्टीपल फंदे डाले हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा है। जैसे है कि आपको जितने भी फंदे डालना है 6+6 करके डाल लीजिएगा और लास्ट में 3 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। देखिए, हमने बॉर्डर बना लिए हैं और ये है हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड से हम यहाँ से सारे फंदे हम देखिए ऐसे उल्टा बुनेंगे। बॉर्डर के बाद आपको जितना भी बॉर्डर बनाना है, जितने इंच का, उसके बाद से यहाँ से आप उल्टी साइड से उल्टा बुन लीजिएगा पूरे फंदे। और आपको जो भी हम बढ़ाते हैं, जैसे कि बॉर्डर के बाद स्वेटर में हम यहाँ पे जो फंदे बढ़ाते हैं, आप उल्टी साइड में ही बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद से ये डिज़ाइन सीधी साइड से स्टार्ट होगी। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए, हमने उल्टी साइड से पूरे उल्टी बुन के कंप्लीट कर लिए। अब आ गई हमारी सीधी साइड। सीधी साइड से हम इसको तो हम स्किप कर लेंगे, ये मेरा स्टिच वाला है। और उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और ये दो बार इसको लपेटेंगे। एक यानी दो फंदा, एक फंदा में ऐसे लपेट कर दो फंदा, एक और दो, ये तीन और ये चार और ये पांच, पांच फंदा हमने दो दो बार लपेट कर बुन लिए। उसके बाद इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे इस तरह से फंदे को उतारना है, बुनना नहीं है। इसको हम बिन बुने उतार लेंगे यानी स्किप कर लेंगे। देखिए फिर से, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर से इसको हम स्किप करेंगे। फिर एक दो तीन चार और ये पांच, फिर से इसको स्किप करेंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तीन चार और ये पांच, फिर से एक स्किप करिए किए और ये फिर से एक दो तीन चार और ये पांच, फिर से इसको हम सीधा बुनेंगे। देखिए, इसको हम सीधा बुनेंगे, इसको भी हम देखिए, जो हमारे लास्ट में दो फंदा बचा है उसको हम एक को स्लिप कर लेंगे और ये लास्ट वाला को हम सीधा बुन लेंगे। अब आ गई हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड हम देखिए, इसको हम ऐसे स्किप कर लेंगे और ये जो हम स्किप किए थे सीधी सिलाई से, उसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, अब ये आ गई हम जो लपेट कर बुने थे यहाँ पे वो वाले फंदा, इसको हम देखिए ऐसे उनको ऐसे लपेट लेंगे सिलाई पे। उसके बाद देखिए, एक दो तीन और ये चार और ये पांच, पांचों को हम ऐसे इस सिलाई पे हम ले लेंगे। उसके बाद फिर से इसको इस सिलाई में ऐसे डालेंगे। देखिए, इसको हम ऐसे एक फंदा बनाएंगे, देखिए ऐसे। इसके बाद इसको फंदे को गिराना नहीं है, फिर इसके ऊपर से इस सिलाई पे ऐसे एक फंदा लपेटेंगे और एक फंदा ऐसे बुनेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे अब इस फंदे को हम ऐसे गिरा देंगे। देखिए, एक फंदा और ये दो, ये तीन और ये चार, यहाँ पे पांच फंदे था हमारा, तो यहाँ पे चार फंदे बना लिए और एक फंदा यहाँ पे, तो पांच के पांच फंदे का यहाँ पे हमारे पांच फंदा बन गया। अब इसको हम जो स्किप किए थे आगे से, इसको हम सिंगल बुन लेंगे ऐसे उल्टा। उसके बाद फिर एक फंदा ऐसे यहाँ पे जाली डालेंगे और उसके बाद फिर एक, ये दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदा को हमको फिर से वही वैसे ही हमको सिलाई डालना है और फिर एक फंदा ऐसे बुनना है और एक फंदा हमें देखिए ऐसे लपेटेंगे इसके ऊपर से और एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ पे चार हो गया, फिर यहाँ पर एक पांच, फिर से एक और लपेटेंगे, एक दो तीन चार
पांच, फिर से इसके ऊपर लपेटेंगे, उसके बाद फिर एक ऐसे बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक जाली डालेंगे, फिर से इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर इसको एक जाली डालेंगे और इस पांच फंदे को हमें यहाँ पे ऐसे उतार लेना है। देखिए ऐसे ऐसे बुनेंगे, फिर एक फंदा ऐसे, फिर एक ऐसे बुन के कंप्लीट करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर एक इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर एक दो तीन चार और ये पांच। देखिए यहाँ हम ऐसे बुनेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर इसको एक पेट के बनाएंगे, फिर एक फंदा ऐसे बनाएंगे, फिर एक यहाँ पे जाली डालेंगे और इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिए ऐसे, और ये हमारी राइट साइड। देखिए सीधी सिलाई हम कैसे बनाएंगे, तो सीधी सिलाई इसको हम स्टिच वाले को हम स्किप करेंगे और ये फंदे हम सीधा बुनेंगे, और ये जो जाली है उसको भी हम सीधा बुनेंगे। देखिए और ये जितने फंदे हैं यहाँ पे, देखिए एक एक करके ऐसे, देखिए इसको भी हम सीधा बुनेंगे। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे करके, इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये सीधी सिलाई पूरी सीधी बुन के हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मेरी पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी उल्टी सिलाई, ये हमारी तीसरी सिलाई बुन के कंप्लीट हो गई, और ये हमारी चौथी सिलाई है। इसको हम स्किप करेंगे और यहाँ से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, उल्टी उल्टी। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए अब आ गई हमारी छठी सिलाई, यहाँ हम इसको स्किप करेंगे और ये जो तीन फंदे हम धागा लपेट कर बनाए हैं इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। देखिए ये हमारी उल्टी साइड है, तो इसको हम स्किप कर लिए हैं, इसको हम उभार के ले लिए हैं इसमें। अब यहाँ से हम देखिए ये कैसे लपेटेंगे, यानी यहाँ जाली डालेंगे और इसको हम ऐसे बुनेंगे। इसको हम एक ही बार बुनेंगे, देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक फंदा ये बन गया है, एक फंदा ये, दो फंदा बढ़ गया है, हो गया है तीन का, अब एक फंदा ये हो जाएगा, तो यहाँ तीन का तीन हो जाएगा। देखिए फिर से इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर इसको यहाँ एक हम जाली बनाएंगे और ये एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे को फिर इस सिलाई में लेंगे ऐसे, और यहाँ एक फंदा ऐसे और एक फंदा फिर से लपेटेंगे और फिर यहाँ एक ऐसे करके बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पांच फंदा के चार फंदा बन गए और एक फंदा ये हमारी, तो यहाँ पांच के पांच फंदा कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर यहाँ एक जाली डालेंगे, इसी तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे।
अब देखिए ये आगे हमारी लास्ट फंदा लास्ट डिजाइन है, जो तीन फंदा को हम लपेट कर बुने थे, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। देखिए तो इसको हम ऐसे फंदे को गिरा लेंगे और एक यहाँ जाली डालेंगे और उसके बाद इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब आ गई हमारी सीधी साइड और ये हमारी सातवीं सिलाई है, यानी सेवेंथ रो है। देखिए इसको हम ऐसे स्किप कर लेंगे। अब इसको देखिए ऐसे सीधा बुनेंगे। यहाँ पे एक एक करके देखिए ऐसे जो आगे फंदा है उसको आगे, जो बीच में है उसको, उसके बाद एक एक करके सारे फंदे को हमें सीधा बुन लेना है। देखिए इसी तरह हम पूरी सिलाई सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारी सीधी साइड कंप्लीट हो गई। इस लास्ट वाले फंदे को हम बुन लेंगे हर बार की तरह। देखिए अभी आ गई हमारी उल्टी साइड, इसको हम स्किप करेंगे और इसको हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। आठवीं सिलाई हम पूरी उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। हमने पूरी सिलाई आठवीं मतलब पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। ये आठ सिलाई में हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। देखिए यहाँ से बहुत ही प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। अब यहाँ से जैसे हम शुरू में स्टार्ट किए थे, एक हम बता देते हैं आपको फिर से। देखिए इसको हम स्किप करेंगे और इसको आप ऐसे सीधा बुन लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए ये एक दो तीन चार और ये पाँच, फिर से इसको हम ऐसे स्किप करेंगे। फिर से यहाँ से एक दो तीन चार और ये पाँच, फिर से इसको हम स्किप कर लेंगे। इसको जो बीच वाले फंदा है इसको हम स्किप में आएगा ये। देखिए इसी तरह हम पूरी डिज़ाइन बुन के कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में एक फंदे स्टिच वाला के छोड़ के एक फंदे बुनने के बाद से पांच फंदे डबल बुनेंगे यानी लपेट के बुनेंगे। दूसरा डिज़ाइन हम जब डालेंगे तो उसको एक स्टिच वाला के छोड़ कर तीन फंदा हम लपेट कर बुनेंगे। इसी तरह डिज़ाइन हमारी डलती जाएगी। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद से कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। ये खास करके जीन्स स्वेटर में बहुत ही प्यारा लगता है। ये डिज़ाइन बनाने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। आप इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये डिज़ाइन आपको कैसे लगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।